कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पूर्व हम राष्ट्रगान का वादन करेंगे। राष्ट्रगान के लिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर एक बार खड़े रहेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब सम्मानित मन से मेरा विनम्र आग्रह है कि माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का माल्यार्पण कर इस पावन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सम्मानित मन से मेरा आग्रह है कि माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और उनका माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। जो शुभ करता है कल्याण करता है आरोग्य रखता है धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है ऐसे दीप की रोशनी को हम नमन करते हैं नमन करते हैं। और इसके साथ ही ग्रामीण महिला महाविद्यालय की छात्राएं सरस्वती वंदना के लिए तैयार हैं। छात्रा नेहा डूडी सरिता गीला नेहा वंदना कुमावत और अर्चना कुमावत। सरस्वती वंदना परिणव स्वर दे वर दे
ग्रामीण महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत की। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन। सम्मानित मंच, हिज एक्सीलेंसी ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय जगदीप जी धनखड़ साहब, महामहिम गवर्नर साहब, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब, इस विश्वविद्यालय के लिए एक अत्यंत गौरव का पल जब आप जैसी तीन महान विभूतियां यहां इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं ऐसे में निवेदन करना चाहूंगा माननीय वाइस चांसलर डॉक्टर अनिल कुमार जी राय सर से कि आप हमारे अतिथिगण का आज यहाँ पुष्पगुच्छ, शॉल और मोमेंटो भेंट कर विश्वविद्यालय परिसर में स्वागत करें। माननीय कुलपति डॉक्टर अनिल कुमार राय। माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी को पुष्पगुच्छ। इसी क्रम में मेरा आग्रह होगा वीसी सर से कि महामहिम राज्यपाल जी को महामहिम का इस परिसर में पहली बार आगमन हुआ है कुलाधिपति महोदय का, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद सर। इसी क्रम में डेप्यूटी सीएम सर माननीय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी मंच पर उपस्थित हैं। मेरा वीसी सर से निवेदन होगा कि आप उच्च शिक्षा के हमारे विभाग के मंत्री भी हैं उप मुख्यमंत्री होने के साथ। डायरेक्ट स्पीच के लिए बुला लो, टाइम नहीं है। स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय वाइस चांसलर सर से निवेदन करूंगा कि उपस्थित अतिथिगण के स्वागत के लिए कृपया अपने भाषण के लिए मंच पर उपस्थित हुए माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर अनिल कुमार राय सर। विद्या की देवी माँ सरस्वती और प्रातः स्मरणीय हम सबके प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती के शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवतरण दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भारत गणराज्य के माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, राजस्थान के माननीय राज्यपाल और विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्रीयुत हरिभाऊ बागड़े जी, राजस्थान सरकार में माननीय उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान प्रेमचंद बैरवा जी, मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी मंचस्थ महानुभावों का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। मेरे लिए और विश्वविद्यालय परिवार के लिए यह सुखद अवसर है और गौरव का क्षण है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तीनों महानुभावों का विश्वविद्यालय परिसर में प्रथम आगमन पर
स्वागत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपको विश्वविद्यालय परिवार के साथ इस सुखद अवसर पर पाकर मैं आह्लादित हूँ, कृतज्ञ हूँ। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का कृपापूर्वक अनावरण कर तथा ज्ञान उद्यान का कृपापूर्वक लोकार्पण किया। इसके लिए मैं हृदय से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मियों, समूचे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस पावन अवसर पर उपस्थित नगर के गणमान्य प्रबुद्ध नागरिकगण, अधिकारीगण, मीडिया के शिक्षकगण, मीडिया के मित्रों का भी मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय महोदय, शौर्य और शिक्षा की इस धराभूमि शेखावटी में स्थापित इस विश्वविद्यालय से लगभग 570 महाविद्यालय संबद्ध हैं तथा 3,00,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध और खेल के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल किए हैं। विश्वविद्यालय परिसर में विज्ञान, समाज विज्ञान, मानविकी, विधि, प्रबंधन, कंप्यूटर विज्ञान जैसे विद्या अनुशासनों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही कई नवाचारी केंद्रों जैसे प्रतिभा पोषण केंद्र, इंक्यूबेशन सेंटर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केंद्र, खादी एवं हस्तशिल्प केंद्र, कौशल विकास एवं उद्यमिता केंद्र की स्थापना करके यह विश्वविद्यालय विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। अधिकारियों और शिक्षकों के सामूहिक प्रयास से यह विश्वविद्यालय निर्धारित समय के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन की दृष्टि से राजस्थान के राज्य पोषित विश्वविद्यालयों में अग्रणी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को अंगीकृत करने, उनके सपनों को साकार करने तथा उनसे सदैव प्रेरित होने रहने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। पुनश्च अति सम्मानित मंच सभागार में हमारे आमंत्रण पर पधारे प्रबुद्धजन, विद्वतगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद वीसी सर। इस क्रम में मैं मंचस्थ माननीय विशिष्ट अतिथि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा सर से निवेदन करूंगा कि आपके मधुर वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर बैरवा सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवतरण दिवस समारोह के इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रेरणा के स्रोत और उनके मार्गदर्शन में मिलता रहता है उनका मार्गदर्शन, ऐसे इसे सेकावाटी के लाल जिनको राजस्थान का हर व्यक्ति देखते ही गर्व से प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसे हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति सम्माननीय जगदीप धनखड़ साहब हमारे बीच में विराजमान, हमारे एक सरल और सादगी के पर्यायवाची और ये राजस्थान जिनके संरक्षण में एक विकसित राजस्थान का सपना लेकर आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे महामहिम राज्यपाल सम्माने हरिबाऊ जी बागड़े हमारे बीच में विराजमान, विश्वविद्यालय के कुलपति जिनको अब कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा, ऐसे श्री अनिल कुमार राय जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री राकेश जी गुप्ता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी के शिक्षकगण, विद्यार्थी और यहाँ पर पधारे सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और मेरे बहन और भाइयों, मीडिया के समस्त बंधुओं,
आज इस पवित्र अवसर पर सर्वप्रथम मैं आप सभी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अवतरण दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलपति एवं अन्य सभी पदाधिकारियों का दीनदयाल जी की जयंती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण और ज्ञान उद्यान का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार एवं बधाई देना चाहूंगा। आज मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि मैं एक तपस्वी मानव के जन्म दिवस पर शेखावाटी के लाल आदरणीय जगदीप जी धनखड़ एवं आदरणीय हमारे मामई राज्यपाल हरिभाऊ जी बागड़े के सानिध्य में उपस्थित होने का अवसर मिला है। ये समारोह केवल एक विशेष कार्यक्रम नहीं है बल्कि हमारे समाज और शिक्षा की दिशा है में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये लोकार्पण समारोह हमारी सामाजिक और शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रतीक है जो न केवल इस विद्यालय की समृद्धि को दर्शाता है जबकि पूरे शेखावाटी क्षेत्र की शिक्षा और विकास की यात्रा को भी रेखांकित करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार और सिद्धांत इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रहे हैं और उनकी प्रतिमा की स्थापना तथा ज्ञान उद्यान का लोकार्पण उनके आदर्शों को हमारे युवाओं और समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक महान प्रयास है। दीनदयाल जी के अनुसार विश्व में जहां भी ज्ञान है वह उपयोगी है। मैं पुरातन को युगानुकूल करके एवं पाश्चात्य को देशानुकूल करके अपनाना होगा। दीनदयाल जी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ऐसे आदर्श पुरुष हैं जिन्होंने भारतीय परंपरा एवं संस्कृति को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर वर्तमान भारत के विकास के सभी आयामों के लिए समन्वित मार्ग प्रस्तुत किया है जिसे एकात्मक मानव दर्शन के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम दीनदयाल जी ने शिक्षा पर राज के व्यय में वृद्धि सभी को शिक्षा निःशुल्क शिक्षा मातृभाषा में शिक्षा अंग्रेजी भाषा की एकाग्रता से मुक्ति शिक्षा रोजगार देने वाली शिक्षा पर बल दिया था। दीनदयाल जी ने शिक्षा के माध्यम के तीन स्वरूपों की कल्पना की थी जिसमें पहला संस्कार दूसरा अध्यापन और तीसरा स्वाध्याय। अध्यापन शिक्षा का सर्वमान्य साधन है परंतु शिक्षण संस्थाओं में केवल शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते इसलिए इसमें चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा समन्वित है। दृष्टिकोण एक स्वरूप निष्ठाओं का समावेश करने की आवश्यकता है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की शिक्षाएं और आदर्श हमारे समाज के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारा लक्ष्य पंडित दीनदयाल जी के शिक्षा के क्षेत्र में अंत्योदय के विचार अर्थात समाज के अंतिम पायदान पर अव्यवस्थित व्यक्ति एक शिक्षा का लाभ पहुंचाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के विचारों जैसे मातृभाषा में शिक्षा रोजगार देने वाली शिक्षा सभी को शिक्षा निःशुल्क अंग्रेजी भाषा के एकाधिकृत मुख्य एवं स्वराज और स्वराज आधारित शिक्षा तथा आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। नई शिक्षा नीति में वर्ष 2030 का संकल्प नामांकन अनुपात 100% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है जो वर्तमान में 28.06% है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में GDP 6% रखने का लक्ष्य लिया गया है। इसी शिक्षा नीति में सभी के लिए शिक्षा एवं मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा एवं अत्यंत शिक्षा पर अत्यंत बल दिया गया है। माननीय राज्यपाल हरिभाऊ जी बागड़े एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए प्रतिबद्ध है। आज के इस अवसर पर माननीय कुलाधिपति महोदय एवं कुलपति महोदय के इस से आग्रह करता हूँ कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के एकात्मक मानववाद के सिद्धांत पर अनुसंधान करने के लिए विश्वविद्यालय में एक पीठ होनी चाहिए जिससे शोधकर्ता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपना अनुसंधान करके दीनदयाल जी के विचारों से समाज को लाभान्वित कर सके। आज का समारोह इस बात की पुष्टि करता है कि शेखावाटी क्षेत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय का संबंध एक ऐतिहासिक और स्थायी महत्व का है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और समाज के उत्थान और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर योगदान देते रहें।
छेकावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करना स्वाभाविक है। ये क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक हवेलियां, समृद्धि, कला, वीरता के लिए प्रसिद्ध है। छेकावाटी ने हमेशा सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक संस्कारित सौहार्द का आदर्श प्रस्तुत किया है। यहाँ की हवेलियों की बीती चित्रकला और स्थानीय लोक परंपराएं इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। छेकावाटी की यह पहचान उसके सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व को उजागर करती है और हमें अपने संस्कृति धरोहर को संजो कर रखने की प्रेरणा देती है। पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा का अनावरण एवं ज्ञान उद्यान का लोकार्पण इस विश्वविद्यालय के समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विश्वविद्यालय में स्थापित दीनदयाल जी की प्रतिमा सदैव विद्यार्थियों को दीनहीन व्यक्तित्व, समाज एवं राष्ट्र के प्रति कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के आदर्श को अपनाने की प्रेरणा भी देगा तथा विद्यार्थियों के मन में ज्ञान की जिज्ञासा को प्रज्वलित करेगा। ज्ञान उद्यान केवल एक भौतिक संरचना नहीं बल्कि ये छात्रों की मानसिक और शैक्षणिक वृद्धि के लिए एक प्रेरणादायक स्थल है। यहाँ पर छात्र न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करेगा बल्कि यह उद्यान प्रकृति से जुड़ने और मनन करने की स्थिति में खुद को तैयार करने का भी अवसर प्रदान करेगा। यह उद्यान न केवल पुस्तकीय ज्ञान का स्थान है बल्कि यहाँ पर जीवन के गहन मूल्य, आत्मचिंतन और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने का अवसर भी मिलेगा। इस समारोह के माध्यम से हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों और उनके दृष्टिकोणों को पुनः समर्पित कर रहे हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समाज के हर व्यक्ति की उन्नति महत्वपूर्ण है और हम सभी कर्तव्य के हम सामाजिक समरसता और सेवा का मार्ग आग्रसित करें। हम इस अवसर पर सभी ये संकल्प लें कि हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं और एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में काम करेंगे और राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए हम कर्तव्य का पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री साहब। और सर को जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचकर और हम सब से मुखातिब हो रहा है। इस क्रम में हमारे अगले वक्ता भी एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व हैं जो न केवल 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा में एमएलए रहे बल्कि एक बार विधानसभा अध्यक्ष के भी पद की भूमिका को निभा चुके हैं। परम सौभाग्य की बात है कि इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हमारे माननीय गवर्नर साहब महामहिम माननीय हरिभाव जी बागड़े साहब को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया वे अपने आशीर्वचन से हम सभी को लाभान्वित करें। महामहिम राज्यपाल साहब। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अवतरण दिवस के समारोह में अपने देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय हमारे धनखड़ साहब, यहाँ के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बरवा के कुलपति अनिल कुमार जी राय, अन्य कुलपति विधायकगण, पूर्व सांसद और यहाँ सब उपस्थित भाई और बहनों, मैं आज सवेरे ही दीनदयाल जी का जन्म जहाँ हुआ वो धानक्या रेलवे स्टेशन पे जाके आया, वहाँ भी उनकी एक अच्छा कार्यक्रम हुआ और वहाँ भी उनकी जीवनी सब शब्दबद्ध किए हैं। एक अच्छा वहाँ उनका प्रतिमा भी लगाई है और मैं और इसलिए और भाग्यशाली हूँ
कि माननीय दीनदयाल जी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। 1967 में भारतीय जनसंघ का हमारे औरंगाबाद में एक अधिवेशन हुआ था। वो अधिवेशन के लिए माननीय दीनदयाल जी, माननीय अटल जी और जबकि अखिल भारतीय अध्यक्ष बलराज जी व्यास ये सभी आए थे और दीनदयाल जी की व्यवस्था में मुझे काम सौंपा था। 22 साल की मेरी उम्र थी जब एक स्वयंसेवक के नाते मैं उनके साथ रहा। आपको सबको पता है कि वो बहुत चिंतनशील थे और कभी कभी स्नान करते करते भी उनको ध्यान लगा तो कई मिनट तक वो बाहर आते नहीं थे। फिर कोई देरी कार्य करते बोलते थे उनके सहयोगी, अरे शायद दीनदयाल जी गए होंगे, जरा दरवाजा खटाखट कर लो। इतने वो ध्यानस्थ बैठते थे, ध्यान में आए तो चिंतन करते थे। दीनदयाल जी बहुत गुणवान थे, बुद्धिवान थे, चारित्रवान थे और वो चलते फिरते विश्वविद्यालय थे। इनका वो ज्ञानपीठ थे और एक अर्थशास्त्री बनने का उनका स्वप्न था। फिर वो कलकत्ता में गए, वहां एक बड़ी लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी ने 8-8, 10-10 घंटे वो किताबें पढ़ते थे, देखते थे। उनके लगन से वहां के जो लाइब्रेरी के प्रमुख थे उन्होंने उनको बोला, दीनदयाल जी आपको कुछ कतरन चाहिए तो लेके जाओ। फिर उन्होंने कुछ किताब से कतरन भी निकाली, लेकिन प्रवास पे उनका होल्डिंग की चोरी हो गई। दीनदयाल जी बोले, होल्डिंग के कतरन गए, जेब सिर पर तो है, हमारे दिल में तो है, कतरन गए तो कुछ बात नहीं। और ऐसे वो इतने एक पार्टी भी थे। और एक बार ऐसे वो दीनदयाल जी तो रेल से प्रवास करते थे ज्यादातर, उन्हीं को कई बार भी विमान से जाना और कैसे जाना आग्रह करते थे, लेकिन दीनदयाल जी बोलते थे कि रेल से गए तो केवल पढ़ने को तो समय मिलता है और सेकंड क्लास से जाते थे। एक बार ऐसा हुआ, सेकंड क्लास में प्रवास करते करते एक बच्चा छोटा सा, वो बूट पॉलिश करने वाला था, उसके बाजू में एक सदग्रस्त बैठे थे। उन्होंने बोला कि हाँ मेरे बूट को पॉलिश कर। वो पॉलिश का सामान निकाला, लेकिन उन्हें पूछा वो ग्रस्त ने कि तेरे पास कपड़ा है क्या, कपड़ा साफ करने के लिए? तो बोले नहीं। फिर वो सदग्रस्त ने बोला कि पॉलिश मत कर। वो बच्चा इतना नाराज हो गया क्योंकि उस पर ही उनका पेट चलता था, बहुत नाराज दिखा। दीनदयाल जी ने बोला रुक। उन्होंने अपने बैग से एक बनियान निकाली और बनियान का एक कपड़ा तो टुकड़ा निकाल के वो बच्चे के पास दिया और बोले अभी कर फिर पॉलिश, क्योंकि इसका मतलब है कि उनका
वो बच्चा के गरीबी देखकर, बच्चा का वो जो नर्वस होना है वो देखकर, उनके मन में भी उनके बारे में दिलचस्पी पैदा हुई और इसे उन्होंने अपने बनियन का एक टुकड़ा, उसको कपड़ा का टुकड़ा दिया, उन्होंने पॉलिश की और उसको तो क्या पैसा दो पैसा जब मिला होगा। दीनदयाल जी तो हमेशा बोलते थे कि दरिद्री नारायण की सेवा करो, अपने समाज में जनजाति में जो आखिरी आदमी है उन्हीं को पहले सरकारी सुविधा मिलना चाहिए, अंत्योदय की योजना उन्हीं की है। जब राजस्थान में माननीय भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जब भैरव सिंह जी ने एक सर्कुलर निकाला था कि आप गांव में ग्राम समिति बुलाओ और सभी के साथ लोगों को पूछो कि अपने गांव में सबसे गरीब कौन है, फिर कोई लोग बोलने लगे अमुक अमुक गरीब है, दूसरा बोला अरे वो नहीं, उसके उसके भी ज्यादा वो गरीब आदमी है, उसका नाम पहले लिखो। ऐसी एक सूची बनाई थी और जो जो सरकारी योजना आएगी वो सूची के इस पे जो ज्यादा गरीब है उसको वो सुविधा मिलेगी, ऐसा उनका ख्याल था, वो भी यहाँ उन्होंने किया। देश भर में जा जा भारतीय जनता पार्टी के सरकार आई उसी में ये योजना लागू की। वो कहते थे कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, तुम खेत को पानी दो लोगों के हाथ को काम मिलेगा। आप सोचते हैं जिस विभाग में, जिस गांव में, जिस जिला में कम से कम बारिश होती वहां के लोग दूसरी ओर काम मिलने के लिए जाते, यही अपन देखते हैं करके उन्होंने बोलो कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। इसी सिलसिले से मैं जब पहली बार विधायक बना 1985 में, जब मेरे मतदाता में 20 साल में 600 पाजर तालाब बनाए, 600 अभी भी है वो, और उसका भी लाभ हो रहा है क्योंकि खेतों को पानी मिल रहा है। और खेतों को पानी चाहिए तो निसर्ग का जो पानी गिरता है, बारिश का जो पानी जमीन पे आता है, गांव में आता है, गांव का पानी गांव में रोको, वो पानी को भागने मत दो, दौड़ने मत दो, अपने गांव में रोको तो तुम्हारे खेत को पानी मिलेगा, लोगों के हाथ को काम मिलेगा, यही उन्होंने बार बार बोला था। और इसीलिए उन्होंने जो गरीबों के हित का काम किया है, और इसीलिए माननीय दीनदयाल जी अपने साथ बहुत दिन रहे नहीं, केवल 51-52 साल का उनको उम्र मिला, उसी 52 साल में उनका सभी तौर, अभी उनके जो विचार है वो विचार से आचार से लोग प्रभावित होते हैं और काम करते थे। दीनदयाल जी आचारशील थे, विचारशील थे, धर्मशील थे, सुशीलशील थे और संस्कारशील थे, चिंतनशील थे। ऐसे दीनदयाल जी का अपने को सभी को उनका ध्यान रखना चाहिए और उन्होंने जो कि अपने को रास्ता दिखाया वो रास्ते पे चलना चाहिए, गरीबों के लिए आस्था रखना चाहिए। ऐसे में मैं उनसे बहुत बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पण करता हूँ। और आज यहाँ विश्वविद्यालय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के परिसर में दीनदयाल जी से बड़ा स्टैचू यहाँ खड़ा किया है, उनके नाम से यूनिवर्सिटी है। मुझे मेरे गांव के
स्कूल का भी याद आता है। मेरी भी एक संस्था है, उसी का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण संस्था। एटी में चालू की, मैं उसका अभी तक 39 साल तक भाई चेयरमैन रहा, लेकिन वो ट्रस्ट जो है, वो ट्रस्ट में मेरे परिवार का, मेरे सगे का कोई दूसरा ट्रस्ट नहीं, ट्रस्टी नहीं, कोई नहीं। तो भी अकेले इतने साल में उस पर काम करता हूँ। उसके अभी वो स्कूल के 11-12 जगह स्कूल है, 9 जगह मैट्रिक का स्कूल परीक्षा होती है, उसमें से 6 जगह 100% निकाल लगता है, वो भी हम देखा है। और इसीलिए मैं यहाँ बहुत बहुत, मुझे यहाँ बुलाया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद माननीय महामहिम, और जिनका आपको इंतजार था, बहुत आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हिज एक्सीलेंसली ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय जगदीप जी धनखड़ साहेब। Honorable Governor of Rajasthan, Sri Haribhau Bagri ji, आपको परम सौभाग्य मिला कि आपने दीनदयाल जी के साथ कुछ पल बिताए। आपका भाषण मार्मिक था और बहुत कुछ हमें दर्शाता है। इस विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि माननीय राज्यपाल जी यहाँ के चांसलर भी हैं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, और इन्हीं के विभाग से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार राय, वाइस चांसलर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावट यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान, श्री अविनाश गहलोत, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्री प्रेम सिंह बाजोर, चेयरमैन सोल्जर्स वेलफेयर बोर्ड। और यहां विशेषकर मैं उल्लेख करना चाहूंगा, दीनदयाल जी के संबंध में देश में, दुनिया में कहीं भी कोई कार्यक्रम हो तो डॉक्टर महेश चंद शर्मा जी पूर्व सांसद रहे हैं, और आप एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। पूरे देश और दुनिया में दीनदयाल जी के बारे में, उनके सोच के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनके संबंध में अनुसंधान करने के बारे में जो काम आपने किया है, आप साधुवाद के पात्र हैं। मुझे काफी लाभ प्राप्त हुआ है और आपके कई कार्यक्रमों में मैं गया हूं। मैं मानकर चलता हूं कि ये विश्वविद्यालय जिसे दीनदयाल जी का नाम जुड़ा हुआ है, महेश जी को भी मार्गदर्शन करने का मौका निरंतर मिलेगा। आपकी कर्म भूमि तो वैसे पूरा राजस्थान है, पर जन्म भूमि चुरू पास में ही है। तो मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि महेश जी इसमें अपना योगदान खुल कर दें। मुझे वो दिन याद है, और वो दिन था विज्ञान भवन में, एक कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, और आपने जो कार्य किया, जो शोध किया, उसका विवेचन भाव हुआ था, मैं भी उपस्थित था। मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि यहां के अध्यापकगण और छात्र
उसकी प्रतिलिपि मंगाकर उसका अध्ययन करें, बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। मुझे यहां आकर अति प्रसन्नता हुई है। जब निमंत्रण मिला तो स्वाभाविक रूप से मेरे सामने वो नहीं था जो मैं आज देख रहा हूं। मेरे सामने एक महापुरुष का नाम था और दिवस क्या था, यह था। मैंने तुरंत स्वीकार किया। पर जब से यहां आया हूं, हर पल मेरे लिए सदा यादगार रहेगा। सबसे पहले आते ही एक पेड़ मां के नाम, इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, बहुत सोच करके, क्योंकि ये बात साफ है हमारे पास धरती के अलावा रहने का कोई दूसरा स्थान नहीं है। ये बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, पर मां के नाम पेड़ लगाने से जो अनुभूति होती है वो एक विचित्र है। जिस भी कार्यक्रम में मैं जाता हूं मैं ऐसा करता हूं। मैं यहां के छात्रों और शिक्षकों से और कार्यरत लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि 60 एकड़ से ज्यादा का जो ये प्रांगण है, इसमें ये सब व्यक्ति अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाएं। पेड़ लगाकर उसका सर्जन भी करें और इसमें तकनीकी सहयोग भी संस्थाओं का ले लें कि कौन सा पेड़ यहां ज्यादा ठीक रहेगा और किस तरीके से इसका विकास हो पाएगा। दूसरा जो पल मेरे सामने आया, कभी सोचा नहीं था कि मैं दीनदयाल जी की प्रतिमा का अनावरण करूंगा। ये नहीं सोचा था। दीनदयाल जी के बारे में उनका क्या सोच है, इसमें डॉक्टर महेश शर्मा जी मेरे अध्यापक रहे हैं, पर यह नहीं सोचा था कि मुझे ये गौरव प्राप्त होगा और वो भी सीकर की भूमि पर और उनके अवतरण दिवस के ऊपर। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं और मेरा स्पष्ट मानना है कि जो स्थान वहां किया है ज्ञान ज्ञान स्तर, तो मुझे दो बातें याद आ गई। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे कि ज्ञान स्थल में दीनदयाल जी की मूर्ति का अनावरण उनके 108वें अवतरण दिवस पर मेरे हाथों से हो, और जो नई संसद भवन है उसमें जो पहले प्रतिमाएं लगी हुई थी महानुभावों की, उनको हमने एक जगह रखा और उसको नाम दिया प्रेरणा स्थल। उसका उद्घाटन भी मैंने किया। पर दो महानुभाव मेरे सामने हैं आज के दिन, दोनों का जन्मदिन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी है और चौधरी देवीलाल जी का भी है। दोनों अपनी दृष्टि से तपस्वी थे, दोनों ने समाज को कुछ देने का ही हमेशा सोचा। चौधरी देवीलाल जी यहां से सांसद रहे हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। जब प्रेरणा स्थल में उनकी मूर्ति के पास में गया तो मुझे अनुभूति हुई कि उन्होंने मुझे राजनीतिक क्षेत्र में उतारा। वो पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और यह संयोग है कि मेरा भी असली जन्मदिन 25 सितंबर ही है। पंडित जी के बारे में अपने को बहुत सीखने की आवश्यकता है और आज के दिन उनका दर्शन, उनका सोच कितना प्रासंगिक है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उनके दर्शन और विचार ऐसे रहे और महेश जी की कृपा रही कि मेरे जीवन को प्रभावित किया है। जब एक गोष्ठी में मैं गया
तो मेरे पास ऐसी योग्यता नहीं है कि उस स्थान पर मैं दीनदयाल जी के दर्शन चिंतन के बारे में कुछ कह पाऊं, पर एक प्रोफेसर साहिबा भी आई हुई थी। हमने देखा कि दीनदयाल जी के बारे में चर्चा बिना अध्ययन के, बिना गहराई के समझे संभव नहीं है। आपने एक वाक्य में सबका समापन कर दिया कि आपने एक छात्र की तरह बहुत अच्छा भाषण दिया है। आज के दिन यदि अगर आप देखेंगे तो दीनदयाल जी का अध्ययन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, वो कितने दूरदर्शी थे। समय बदल रहा है, तकनीकी आ गई है, सोच बदल गया है, पर वो दूरदर्शी थे, विचारक, दार्शनिक और समाज हितकारी थे। क्यों? उनका केंद्र, उनका फोकस व्यक्ति विकास पर था। व्यक्ति को बल मिले, व्यक्ति समाज का एक ऐसा अंग बने कि वो सकारात्मक रूप से अपना सहयोग दे पाए समाज को, और ये सोच आज भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। आज के दिन यदि अगर आप देखोगे कि भारत की जो विकास यात्रा है, जिसको हम कह सकते हैं हर घर शौचालय, हर घर नल, हर घर बिजली, आदमी को मकान मिले पक्का, उसके हाथ को काम मिले, उसको शिक्षा मिले, उसको वो सब सुविधाएं प्राप्त हों जो हर किसी को प्राप्त हैं, इसी को तो कहते हैं अंत्योदय। आखिरी आदमी की चिंता करने का अर्थ है कि हम सृष्टि की चिंता कर रहे हैं, हम पूरी पृथ्वी की चिंता कर रहे हैं। ये सोच बड़ा मुश्किल से आता है, क्योंकि जब भी आदमी को अवसर मिलता है खुद की सोचता है, खुद के नजदीकी लोगों की सोचता है, कुछ हद तक समाज की भी सोच लेता है। आज हमारे जो पृथ्वी है और जिस बुरी दशा में आज के दिन हम आज हैं, नहीं होते यदि अगर दीनदयाल जी के सोच, उनके दर्शन को हम समझते। गांधी जी ने बहुत सही कहा था, द अर्थ हैज एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। पर हम क्या देख रहे हैं कि जब भी मौका आता है हम हमारी आर्थिक ताकत को दिखा देते हैं। वी आर टू क्विक टू फ्लेक्स आवर फिस्कल मसल, कितना पेट्रोल उपयोग करूंगा, कितनी बिजली उपयोग करूंगा, क्या ये आपकी पॉकेट तय करेगी? आपकी धन की जो ताकत है वो आपको ये अधिकार नहीं देता कि आप इनका उपयोग चाहे जैसे करो। वी हैव टू डेवलप अ कल्चर ऑफ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये हमारे सोच में होना चाहिए। मैं आपके समक्ष आज, क्योंकि दीनदयाल जी के बारे में तो महामहिम बोल चुके हैं और आपको मौका मिलेगा महेश जी से भी कभी सुनने का, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, एक दीनदयाल जी का अध्ययन कीजिए, उनके आदर्शों को समझिए, उनके सोच को समझिए, उनके दर्शन को समझिए और कोशिश कीजिए कि आप इसकी अनुपालना कर पाए। दूसरा, राष्ट्रहित और देश सेवा को निजी और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर रखें। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हम राष्ट्रहित को हमारे निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ से कम आंकें। जो ऐसा करते हैं वो गलतफहमी में है, उनकी सराहना कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे देश में या चाहे बाहर। कोई भी हमारे राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाता है वो हमारा हितैषी नहीं है। देश की आजादी को हमें समझना पड़ेगा, इस आजादी को बड़ी मुश्किल से मिली है, और इसीलिए मैं कहूंगा खास तौर से नवयुवकों को, आपातकाल का कालाखंड कभी मत भूलिए, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए संविधान दिवस मनाया जाता है अब
26 नवंबर को, उसकी गरिमा समझिए, उसकी अहमियत समझिए कि इमरजेंसी के अंदर हमारे साथ क्या हुआ, कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ, देश कहां से कहां चला गया, कितने अंधकार में चला गया, कैसे लोग जेलों में चले गए। आजादी को 18 साल नहीं हुए थे और एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने पद को बचाने के लिए लाखों लोगों के अधिकारों को एक तरीके से कूड़ेदान में पटक दिया। देश की कोई संस्था आगे नहीं आई बचाने के लिए, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि नवयुवकों को अंदाजा नहीं है उस समय क्या हुआ था। और इसी तरीके से एक और दिवस की चर्चा की गई है तो इसी साल की गई है, संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। सोचना पड़ेगा कि भारत जैसे प्रजातंत्र में हजारों साल की संस्कृति विरासत को, विरासत का धनी भारत, कैसे एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो गया कि कोई भी रक्षा के लिए नहीं आया। ये आपको देखना पड़ेगा, ये मेरा विशेष अनुरोध है। मैं छात्रों से कहना चाहूंगा खास तौर से, नेवर फियर फेलियर, नेवर फियर फियर फेलियर इज नेचुरल टू एनी वर्क। यदि अगर चंद्रयान 2 पूरा सफल होता तो चंद्रयान 3 की आवश्यकता नहीं थी, पर चूंकि चंद्रयान 2 बहुत हद तक सफल हुआ, कुछ लोगों ने उसको फेलियर का फेलियर नहीं था। कोई भी फेलियर आंशिक सफलता है, कोई भी फेलियर सफलता की सीढ़ी है, एंड देयर फोर नेवर फियर फेलियर। आप चारों तरफ देखेंगे तो एक होड लगी हुई है, कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, लगता है सरकारी नौकरी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आई अपील टू यंग माइंड्स, आई एम फुली अवेयर योर अपॉर्चुनिटी बास्केट इज इंक्रीजिंग, आपका अपॉर्चुनिटी बास्केट बहुत बड़ा है। यदि अगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहता है आज के दिन कि भारत इज फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, तो सरकारी नौकरी की वजह से नहीं कह रहा है अपॉर्चुनिटीज। आप खुले दिमाग से देखिए, आपको अपनी प्रतिभा चमकाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि नवयुवकों के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। पहले कानून के सामने सबको एक नहीं था, वी हैड अ प्रिविलेज पेडिग्री, कुछ लोग कानून से ऊपर थे, कानून का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, ऐसी धारणा बन गई थी, कानून क्या करेगा उनका, वो धारणा धराशायी हो गई है, यह नवयुवकों के लिए बहुत बड़ा फायदे की बात है। दूसरा, पहले क्या स्थिति थी, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता था, बिचौलिया बीच में आता था, नाउ पावर कॉरिडोर्स आर फुली सैनिटाइज्ड, बिचौलिए गायब हो गए हैं, इसमें तकनीकी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। आज के दिन जिस भारत को हम देख रहे हैं, जिस भारत के प्रति दुनिया नतमस्तक है, जो भारत विकसित भारत की ओर तीव्र गति से अग्रसर है, चारों तरफ हम देखते हैं जल थल आकाश और अंतरिक्ष, हमारी प्रगति अप्रत्याशित है, अकल्पनीय है, सोच के परे है। मैंने वो देखा है जमाना जब मुझे खुद को डर लगता था, 89 में लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बना, हमारी अर्थव्यवस्था लंदन शहर से छोटी थी। आज आने वाले 2 साल में हम जापान और जर्मनी से आगे जाकर दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं, ऐसा हमारा देश है। मतलब अब यह देश रुकने वाला नहीं है, पर कुछ लोग बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। आप चुप मत रहिए, राष्ट्रवाद को ध्यान रखते हुए हर हालत में इस बात का ध्यान दीजिए कि हम राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्र धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छी प्रसन्नता हुई है। मैं वाइस चांसलर साहब से अनुरोध करूंगा कि यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थीगण मेरे निमंत्रण पर दिल्ली आए, मेरे मेहमान बने और नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखें और समूह में आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके नीचे बहुत कॉलेजेस हैं, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर सके। मैं दिल्ली में रहा तो उनसे अवश्य मिलूंगा।
मुझे आकर यहाँ बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है और अलग से मैं चर्चा करूंगा आपके वाइस चांसलर से। यह प्रांगण बहुत बड़ा है, इस प्रांगण के अंदर इतना बदलाव आ जाना चाहिए 2-4 साल के अंदर कि लोग देखें कि यह सर्वश्रेष्ठ प्रांगण है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।